best music. Another one. हे गाइस वेलकम टू बर्ड इन्फो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो फिशेस के ऊपर होने वाला है, बर्ड्स के ऊपर नहीं है क्योंकि दो तीन कमेंट आया मेरे पास कि आप फिशेस के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। जब मैंने पिछली वाली वीडियो डाली थी तो उसमें मेरे कमेंट्स आए कि दो तीन कमेंट्स ही आए ओनली, बाकी आप अगर ज़्यादा कमेंट्स लिखेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप फिशेस के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, जो कि कॉमन पेट है, जो मैंने जो पाली थी उससे थोड़ा एक्सपीरियंस लिया। तो आपको करना क्या होगा कि जो फिशेस होती हैं उनको आप कहाँ रखना चाहते कहाँ रखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली गलती जो आम लोग करते हैं वो करते हैं इसके अंदर पाल के, ये जो बाउल होता है ना, ये इसके अंदर कभी फिश को नहीं पालना चाहिए। तो ये जो बाउल है छोटा है, लेकिन अगर आप इसके अंदर पालना चाहते हैं क्योंकि आपके पास घर पर स्पेस नहीं है और शो पीस के लिए अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो इसके अंदर जो फिशेस फिट होंगी वो मैं आपके नाम बता दूंगा अभी उनके और फोटोज भी दिखा दूंगा ताकि आप पहचान पाए। तो मेरे को जो सेटअप पड़ा था पूरा, ये तो ये बाउल है, इसमें कुछ स्टोन्स है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ स्टोन्स थे इसमें, पावर स्टोन्स होंगे आई थिंक, ये बहुत कम थे। और ये स्टोन्स जो थे वो स्टोन्स के साथ, और ये इसके अंदर पड़े थे स्टोन्स, मतलब ये सारे छोटे छोटे थे। और इसके अंदर दो गोल्ड फिशेस थी। तो टोटल मेरे को जो सेटअप पड़ा था वो पड़ा था मेरे को 300 का, 350 का बोल रहा था, लेकिन अब बार्गेन कर लिया था मैंने, तो ये मेरे को 300 रुपये का पड़ा था पूरा सेटअप। तो इसके अंदर जो सबसे पहली गलती मैंने की थी, जो मैंने ख़रीदा था इसको जहाँ से, वो थी उसका जो ठिकाना है वो फिक्स नहीं है। मतलब मैंने इसे एक गलिफ सेलर से खरीद लिया था जो कि यहाँ पर ऐसे लिए हुए इसको बेच रहा था, मतलब ये ऐसे कैसे इसको दो गोल्ड फिश थी इसके अंदर और एक बड़ा सा झोला जैसे कहते हैं बैग वगैरह वो लेकर जा रहा था। तो मैंने उसे रोका, मैंने देखा कि फिशेस पाल के देख लेते हैं एक बार, तो मैंने पाल ली और 7-8 दिन रही वो, और उसके बाद वो मैंने कहीं और शिफ्ट करने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो आपको बात बता दूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी मत रखिएगा। आप चाहते हैं फिश का शौक रखते हैं तो आप इसे एक्वेरियम में ही रखिएगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं रखिएगा। एक्वेरियम जो आपने बड़े वाले डिब्बे देखे हैं ना, कांच के इतने बड़े बड़े और फिर 4 फिट के 3 फिट के जितने भी थे वो, आप उन्हीं में रखिएगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ मानता हूँ मैं, क्योंकि वो फिशेस को ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जगह मिलती है और वो उनको अच्छे से केयर भी होती है उसके अंदर और उनको मज़ा नेचुरल फील भी आता है इसके अंदर। उसे कैद करना, छोटे सी चीज़ में से कैद करना मेरे को बहुत बुरा लगता है, तो मैं इसके अंदर अब कभी कुछ नहीं पालूंगा तो कुछ फिशेस पाल सकता हूँ मैं इसके अंदर थोड़े टाइम के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ बता दूँ आपको मैं, तो ये जो मेरे स्टोन्स थे इसके अलावा मैंने क्या क्या ऐड किया था इसके अंदर मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये शेल्स देख रहे हैं आप, ये तो ये नेचुरल फील कराने के लिए मैंने कुछ शेल्स रखे थे, मेरे पड़े थे पुराने ये, तो मैंने इसके अंदर रख लिए। और कुछ मैंने अपने हिसाब से कुछ सुंदर से स्टोन्स मैंने इसमें रखे थे, बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स थे क्योंकि ये मेरे को स्टोन्स ख़राब लग रहे थे, ताकि मैंने उनको अच्छा नेचुरल लुक दिखा पाऊँ कि बराबर थोड़ा लगे। इतने क्या कितने से स्टोन देते होंगे, मुट्ठी भर क्या कह सकते हैं आप इसे, मुट्ठी भर भी नहीं, मतलब 2 मुट्ठी भर ऐसे कह सकते हैं आप इसे, इतने ही स्टोन दिए थे उसने ओनली। तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये एक्रेलिक लोकल होते हैं, नेचुरल नहीं है। और ये जो मैं स्टोन दिखा रहा हूँ ना, ये सी स्टोन बोलते हैं, मैंने ये बीच से उठाए थे, मतलब जहाँ पर जो सैल करते हैं जो समुंदर की चीज़ें, तो ये नेचुरल स्टोन है, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल स्टोन है, जो यूनिक स्टोन है बिल्कुल ये। तो ये देखिए बिल्कुल नेचुरल है ये, और ये जो स्टोन ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल भी कैल्शियम वगैरह से कुछ पैटर्शन से बिल्कुल भी नहीं बनाया हुआ, ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें ही रख रहा था मैं उसके अंदर। तो ये मेरी पहली गलती थी। और दूसरी गलती, मैंने फूड जो लिया था वो उसी से ले लिया, मैंने उसी से बाई करा था, मैंने जो फूड मेरे को पड़ा था वो 50 रुपीज़ का पड़ा था, मतलब 250 का ये पूरा सेटअप और 50 रुपीज़ का फूड, तो 300 रुपये का मेरा सेटअप पड़ा था, तो मैंने उसी से ले लिया। और मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो 10 ग्राम जो फूड होता है इतना छोटा सा टोयू का, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, 10 ग्राम का जो वो फूड आता है वो आई थिंक 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का छोटा सा पैकेट होगा वो आई थिंक, उसने मेरे को 50 रुपीज़ में वो चिपका गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर बाद में मेरे को पता चला था कि जब मेरे को फूड की प्राइस पता चली, मुझे लगा ये फूड और फिशेज बहुत महंगी आती होंगी, तो मेरे को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था इसके बारे में, तो मैंने पाल के देख लिया एक बार तो अंदाज़ा हो गया मेरे को। तो अब जो सबसे तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो इस बाउल के अंदर कुछ भी नहीं लगाते हैं, ऐसे लगा के छोड़ देते हैं। तो ये तीसरी गलती जो होती है वो है कि इसके अंदर आपको लाइव प्लांट लगानी चाहिए, जबकि ये आर्टिफिशियल है ना, इसे आप ऐसे निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं है,
किसी काम का नहीं, आर्टिफिशियल प्लांट ये उल्टा एक जगह और गिरता है, तो इसे निकाल के फेंक दीजिए। और इसके अंदर अगर कोशिश करिए कि आप इसके अंदर ये जो स्टोन्स वगैरह है वो तो डालें नहीं, और ऊपर से आप इसके अंदर आप कोशिश कीजिए लाइव प्लांट डाल लीजिए। लाइव प्लांट्स होते हैं जो जिंदा प्लांट्स होते हैं जो आप गमले वगैरह में लगाते हैं, लेकिन वो गमले वाले नहीं, एक अलग से लाइव प्लांट्स आते हैं जो समुंदर या फिर नदी किनारे जो मिल जाते हैं, वो ही प्लांट्स लगाइए। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसके अंदर जो फिश मैं नाम बता रहा हूँ वो ही पाल लीजिएगा, उसके अलावा जो मैं नहीं बता रहा, जो मैं प्रेफर नहीं करता, वो फिश ना पालिएगा इसमें। तो चलिए फिर अब चौथी गलती बताता हूँ आपकी। चौथी गलती है कि आप जो फिशेस लेते हैं वो गोल्ड फिश जो लेते हैं इसके अंदर लगभग एक फिश ही आराम से रह पाएगी, आप दो ना लीजिएगा इसमें। अगर दो लेते हैं तो फिर आप छोटी छोटी फिश होती है जो टेट्रास और मॉलिस होती है, जो स्कूलिंग फिश होती है वो ही लीजिएगा इसमें अंदर। गोल्ड फिश होती है वो बिल्कुल भी ना लीजिएगा। गोल्ड फिश होती है, मैंने फीडर ली थी, फीडर जो आप एरोवानास वगैरह जो फिशेस होती है मॉन्स्टर वाली, वो इन गोल्ड फिश लाइव फिशेस होती हैं उनको खा जाती है, और भी मेरे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक जिंदा चीज़ को आप एक चीज़ को खिला रहे हैं तो आई डोंट थिंक अच्छा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर एक या दो ही फिश पालिएगा। तो मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन सी फिश आप पाल सकते हैं इसके अंदर। गोल्ड फिश जो सेलर बेचते हैं ये जो गैलेप स्ट्रीट वाले, इनसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, एक्वेरियम शॉप से ही लीजिएगा। तो वो फिश जो होती हैं वो है तो आपकी टेट्रास होती है, छोटी छोटी सी फिश होती है, वो आपको बहुत सस्ती मिलती है। वो आई थिंक मेरे यहाँ पर तो 30 रुपये पेयर है, बगैर आपके यहाँ पर कितनी होगी वो मेरे को पता नहीं। और जो बेटा फिश होती हैं, बेटा फिश होती हैं जो सिंगल ही रहती है, फाइटर फिश होती है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ पूरी वीडियो में। तो बेटा फिश होती है वो फाइटर फिश होती है, और इसके अंदर आराम से सर्वाइव कर पाती है वो आराम से, लेकिन जंप कर जाती तो आपको उसके ऊपर ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो यही है बस, एक जो बेटा फिश रख सकते हैं आप, और मॉली रख सकते हैं। मॉली बहुत सस्ती फिश आती है और छोटी भी होती है, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसका साइज जब इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, तो आप इसको अकेले ही रखिए, प्रेफर करता हूँ। तो बाउल के अंदर ये सिस्टम है, और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ इसके अंदर बढ़िया दिखाने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर लाइव प्लांट्स लगा दीजिए, लाइव प्लांट्स लगा दिए, या फिर आप इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं, शोपीस है जैसे स्टोन चाहिए ऐसे स्टोन्स लगा सकते हैं, चाहे तो बड़े स्टोन लगाइए, शेल्स लगाइए जो शंख वगैरह होते हैं, ये लगा दीजिए। और तो कुछ नहीं, बस इसके डेकोरेट करने के लिए आप इतना ही लगा सकते हैं। और आपको चाहते हैं कि इसके अंदर आप गोल्ड फिश वगैरह कुछ पाले, तो गोल्ड फिश के बारे में बता देता हूँ। गोल्ड फिश एक बहुत सेंसिटिव फिश होती है, वो वाटर को लेकर थोड़ा सेंसिटिव होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे ना पालिएगा, लेकिन अगर आप पालना चाहते हैं गोल्ड फिश तो एक या फिर एक पेयर में लीजिएगा उसे, वो भी फीडर गोल्ड फिश, बड़ी वाली नहीं, फीडर होगी। तो फीडर फिश का क्या काम होता है कि वो छोटी होती है जो तो वो रह लेती है इसके अंदर, लेकिन वो आपको इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगे, आपको इसके अंदर एक स्पॉन्ज फिल्टर लगा देना है, जैसे कि आप स्क्रीन देखते हैं स्पॉन्ज फिल्टर है जो इतने से लेकर इतने बड़े बड़े आते हैं, लेकिन आपको छोटा वाला लगा देना है इसके अंदर, या फिर आप डायरेक्ट एयर पंप से एक छोटी वाली बॉल भी आती है, बॉल जैसी कुछ आती है, पत्थर पता नहीं क्या कहते हैं, उसके अंदर आप एयर पंप लगा दीजिए, और एयर पंप से इसके अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन जाती रहेगी। तो वो कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नेचुरल जो होती है वो आप प्लांट्स लगा सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट अमोनिया को भी कम कर देंगे, और डायरेक्ट आपके जो प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन भी दे देंगे डायरेक्ट आपकी मछलियों को। तो इसके अंदर आप बेटा फिश पाल सकते हैं, मॉली पाल सकते हैं, टेट्रा पाल सकते हैं, और चाहते हैं तो गोल्ड फिश भी पाल सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर, जो अगली गलती होती है, अगली गलती जो होती है, आप इसे लाइट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करते, आप इसके अंदर सिर्फ ऐसे कैसे शोपीस लगा देते हैं, तो इसके अंदर एक ऊपर लाइक लाइट लगा दीजिए, ताकि आपकी जो प्लांट्स वगैरह हैं और कुछ भी आपकी फिश पाल रखी है तो उनको गर्मी मिलती रहे, बिल्कुल विटामिन डी मिलता रहे, क्योंकि सनलाइट के अंदर तो आप रखेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्वेरियम जो और ये बॉल्स होते हैं जो इंडोर होते हैं, तो सनलाइट के अंदर तो रखेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो आप इसी के अंदर रख सकते हैं इसे। और जो मैं आप अगली चीज़ बता देता हूँ आपको, अगली चीज़ जो है वो आप इन्हें जो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो होते हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे, और जो फूड जो फूड के नाम बताते हैं जो कॉमन होते हैं और बिल्कुल अच्छे होते हैं, तो ऑप्टिमम सबसे ज़्यादा कॉमन है अपने इंडिया में। ऑप्टिमम का फूड ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, थोड़ा सस्ता ही आता है, 50 रुपीज़ का आई थिंक 100 ग्राम मिल जाएगा आपको 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ ज़्यादा लेता है तो आप मत लीजिएगा, लेकिन जो 100 रुपीज़ का मतलब सॉरी 100 ग्राम का आता है जो 50 रुपीज़ का, वो आपके आराम से 6 मंथ चल जाएगा इस बाउल के अंदर।
तो वो आप लंच रख सकते हैं, लेकिन मैं जब प्रेफर करता हूँ वो जो हानि का जो होता है फूड वो भी अच्छा होता है, मतलब उसके अंदर प्रोटीन क्रूड प्रोटीन होता है वो ज़्यादा होता है हानि का, वो भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये दोनों आप अच्छे से रखिए और वेरिएशन रखिए फूड में, ऐसे नहीं कि आप एक ही बार में एक ही फूड डाले जा रहे, तो वेरिएशन रखिएगा। मतलब जैसे अपन इंसान है तो अपन हर रात एक ही फूड तो नहीं खाते, अलग अलग करते रहते हैं ना, वैसे इनको डिसाइड कर लीजिए, ज़्यादा फूड लाइए और अलग अलग टाइप के उनको देती जाइए, ताकि वो फिशेज भी क्या है वेरिएशन पसंद करती है, तो वो वेरिएशन आपको पता चल जाएगा। और मैं बेटा फिश के बारे में बता देता हूँ, बेटा फिश होती है वो अकेली रहती है, वो फिश मतलब किसी के साथ पसंद नहीं करती रहना, अगर आप रखना चाहते हैं किसी के साथ तो गोल्ड फिश के साथ रह लेगी, लेकिन इस बाउल के अंदर नहीं, वो एक्वेरियम के अंदर ही रह पाएगी गोल्ड फिश के साथ। वो भी गोल्ड फिश अकेली नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी बल्क में होनी चाहिए, आई थिंक टू पेयर्स होनी चाहिए, मतलब 4 to 5 फिश के साथ वो रह लेंगी बेटा फिश। तो यही कहना चाह रहा था अच्छी वीडियो में मैं, कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं लगती तो इसे अनलाइक कर दीजिएगा, मना नहीं करता मैं। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाजू वाले में जो नोटिफिकेशन बेल है अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो जब भी आया तो मैं नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो पर आज मैं इतनी खत्म करता हूँ, वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है लगभग, तो जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और मेरी इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आप फिशेज को बहुत कंफर्टेबल फील होगा, और आपको भी मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा कि फिशेज मरेंगे नहीं। तो चलिए तब